हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें एसटीवी हरियाणा न्यूज। किसान ट्रैक्टर रैली के दौरान हिंसात्मक घटना को देखते हुए दिल्ली के आसपास के इलाकों में हाई अलर्ट जारी किया गया है। वहीं गुरुग्राम पुलिस कमिश्नर की माने तो गुरुग्राम के आसपास के इलाकों में ट्रैक्टर रैली तो जरूर निकली, लेकिन वो पूरी तरह से शांतिपूर्वक रही। किसानों ने अपने निर्धारित रूट पर ही ट्रैक्टर मार्च निकाला। हालांकि गुरुग्राम पुलिस किसी भी स्थिति से निपटने के लिए पूरी तरह से मुस्तैद दिखी। स्पेशली गुड़गावा पुलिस इतना अच्छा काम कर रही है और इस गुड़गावा को इतना सुंदर और सेफ मेंटेन करके रखा हुआ है, और ये चार गाड़ियां मुझे पूरी उम्मीद है कि वीमेन सेफ्टी के लिए, एक एक्स्ट्रा वीमेन की सेफ्टी के लिए ये बहुत ही मददगार हुआ। ठीक सर, आप अपराधियों पर काबू पाने के लिए कितनी कारगर साबित हो गई है बेड में चार गाड़ी दी? बहुत साबित होंगी, इससे पेट्रोलिंग में और एफिशिएंसी बढ़ेगी और मुझे तो पूरी उम्मीद है, ऑलरेडी लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन इतनी अच्छी है जो कि फर्दर इम्प्रूव हो जाए। सर कहना चाहूँगा कि ये हमारे लिए बहुत मदद मिली है, क्योंकि गाड़ियों की काफ़ी कमी है और जो सरकारी गाड़ियाँ थी काफ़ी ऑप्शन हो चुकी है, तो इनको हम PCRs के तौर पर यूज़ करेंगे ताकि आम लोगों की मदद और ज़्यादा हो सके। सर, एक किसान आंदोलन को लेकर कहीं ना कहीं संघर्ष जारी है, तो हरियाणा में किस तरह की सुरक्षा पुलिस विभाग द्वारा बढ़ाई गई है? सर, सुरक्षा ऑलरेडी हरियाणा में ऐसा कहीं कुछ नहीं हुआ और किसानों ने भी पूरा सहयोग दिया, गुड़गांव में कोई ऐसी बात नहीं हुई।